नमस्कार सर, मैं अंजलि यादव, मैं शहर मंडल से महिला मोर्चा से अध्यक्ष हूँ। सर, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। सर, आप हम सभी युवाओं के लिए एक मॉरल यूथ आइकन है। सर, धन्यवाद सर इस चीज के लिए। मेरा प्रश्न सर आपसे यही है कि जैसा आपने विस्तार से अपनी योजनाओं के बारे में, हमारे कार्यों के बारे में बताया, तो हम जैसे कार्यकर्ता लोगों के बीच में हमारी बात को इस प्रकार से नहीं ले जा पाते, तो मेरा प्रश्न यही है कि हम किस प्रकार आपकी योजनाओं को, आपके कार्यों को हम किस प्रकार जनता के बीच में, लोगों के बीच में पहुंचाएं। धन्यवाद सर। देखिए अंजलि जी, मेरी तरह समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी तरह बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। आप एक छोटा काम कीजिए और मैं चाहूं अंजलि आप करके दिखाएं। आपके पास मोबाइल फोन है? अंजलि आपके पास मोबाइल फोन है? जी सर। है जी सर। आप डेली जी इन गरीब परिवारों को गैस का कनेक्शन मिला है, ऐसे 10 बहनों का वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। उसको गैस मिला है, उसका क्या फायदा हुआ उससे बुलवाइए और वो 5,000 लोगों को आगे पहुंचाइए। दूसरे दिन जिनको टॉयलेट बना उनके इंटरव्यू करो। जीवन में नियम बनाओ कि एक साल तक दर रोज 10 मोबाइल फोन पर आप वीडियो फिल्म बनाओगी। किसी न किसी जिसको लाभ मिला है, मुझे बताइए आपको भाषण देना पड़ेगा क्या? जो भी वो वीडियो देखेगा उसको समझाना पड़ेगा कि क्या फायदा होता है। देखिए, मेरा मत है, एक तो हमने सामान्य व्यक्तियों की भाषा में बोलना चाहिए, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए उदाहरण देकर के समझाना चाहिए। और इसके लिए कोई स्कूल नहीं होता है, उनके बीच में रहता है तो आ जाता है, उनके बीच में बैठते हैं उठते हैं तो आ जाता है। और मैं ये हमेशा कहता हूं, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा सबसे मजबूत, यही मंत्र है और यही शक्ति है। भाजपा इसी शक्ति पर विश्वास करने वाली पार्टी है। आप सभी को बूथ स्तर पर सक्रियता के साथ कार्य में जुटने और दोगुनी मेहनत से कार्यक्रम तेज करने की आवश्यकता है। पार्टी की बूथ स्तर के लिए एक विस्तृत रणनीति है। जी, जैसे हम जिस नमो ऐप से अभी जुड़े हैं, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। हमारे पोलिंग बूथ में कम से कम 100 परिवार ऐसे क्यों ना हो एक पोलिंग बूथ में, जो नमो ऐप डाउनलोड न किया हो, जो डेली 5 मिनट नमो ऐप देखते ना हो। 17 सितंबर को नमो ऐप का एक नया वर्जन आने वाला है, अभी 3 दिन के बाद, और उसमें कार्यकर्ता क्या काम कर सकता है उसका एक नया वॉलंटियर सेक्शन उसमें आ रहा है। का भी इसका अध्ययन करिए और सबको आगे करिए। बताओ भाई, इसमें बताइए आप क्या करेंगे, इस विभाग में लोगों को कैसे जोड़ना है, उनको समझाने के लिए लिटरेचर है, छोटे छोटे वीडियो हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं, ये इनसे आसानी से उपलब्ध हो गए। मेरा आग्रह है कि देश का हर भाजपा कार्यकर्ता इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करे और लोगों तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाए।